नमस्कार। राक्षस को वश में करने के लिए चाणक्य ने जानकारी ली कि अब पाटलिपुत्र में राक्षस के प्रति आत्मीय भाव रखने वाला कोई है क्या, तो ज्ञात हुआ कि पूरा नगर तो उसे दुष्ट ही मान रहा है, किंतु एक शकट दास और दूसरा जौहरी चंदन दास आज भी राक्षस को ही अपना मानते हैं। यहाँ तक कि राक्षस अपने परिवार को भी चंदन दास के ही पास छोड़कर गए हैं। चाणक्य ने आश्चर्यपूर्वक दूत से पूछा, राक्षस अपने परिवार को चंदन दास के पास छोड़कर गए हैं, यह तुम्हें कैसे पता चला? दूत ने जवाब में एक अंगूठी उनके समक्ष प्रस्तुत की जिस पर राक्षस अंकित था और बताया कि जब वह एक जोगी के वेश में चंदन दास के घर की निगरानी कर रहा था, तब दरवाजे से एक छोटा सा सुंदर बालक बाहर आया और उसे पकड़ने एक स्त्री भी आई। उस महिला के हाथ की उंगली से अकस्मात यह अंगूठी फिसल कर नीचे गिर गई। अंगूठी किसी पुरुष की थी, अतः महिला की पतली उंगली से असावधानीवश निकल गई। अंगूठी पर राक्षस अंकित देखकर मैं आपके पास ले आया। चाणक्य ऐसे खुश हुए मानो कोई खजाना मिल गया हो। उन्होंने सबसे पहले तो चंदन दास को बुलवाया। उनके बुलावे से ही चंदन दास समझ गया कि उसे क्यों बुलवाया गया होगा। अतः उसने सबसे पहले तो राक्षस के परिवार को अपने घर से दूर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उसके बाद चाणक्य से मिलने पहुंचा। चाणक्य ने उससे राक्षस के परिवार के बारे में ही प्रश्न किया, किंतु उसने अनभिज्ञता जताई। उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त के माध्यम से दो काम करवाए। पहला तो राक्षस के लेखक मुंशी शकटदास को सूली पर चढ़ाने का आदेश और दूसरा जौहरी चंदन दास की गिरफ्तारी। लेकिन कूटनीति भी चलती रही। यह समझकर कि अभी भी राज्य में बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो राजा नंद के प्रति आदर भाव रखते हों, साथ ही उनकी सहानुभूति राक्षस के साथ भी हो, चाणक्य ने दो योजना बनाई। एक तो यह कि चंद्रगुप्त से मनमुटाव प्रदर्शित कर अलग हो गए। दूसरी योजना के अंतर्गत एक सेनानायक क्षपणक और सेनापति भागुरायण शकटदास को फांसी के फंदे से बचाकर पाटलिपुत्र से ले गए और सीधे जाकर राक्षस के पास पहुँचे। राक्षस उस समय आभूषण विहीन बैठे थे और राजकुमार मलय केतु उनसे कुछ आभूषण पहनने का आग्रह कर रहे थे। राक्षस ने उत्तर दिया, इन दुष्ट बैर इन सो दुखी निज अंग ना ही संवारी हों, भूषण बसन सिंगार तब लो हो न तन कछु धारी हो, जब लो न सब रिपुनाश पाटली पुत्र फेरी बसाय हो, हे कुंवर तुमको राज दे सिर अचल छत्र फिराय हो। तो ऐसी थी राक्षस की अचल राजभक्ति और ऐसा था जुझारू व्यक्तित्व। शायद इसे समझकर ही चाणक्य उन्हें साधने की हर संभव चेष्टा कर रहे थे। तभी शकटदास के साथ सेनापति भागुरायण और सेना नायक क्षपणक वहाँ पहुँचे। स्वाभाविक ही राक्षस ने देखकर बहुत संतुष्ट हुए। मलय केतु ने भी मैत्री भाव दर्शाया। पाटलिपुत्र पर आक्रमण की योजना बनने लगी। वहाँ रहते हुए एक दिन भागुरायण और क्षपणक इस प्रकार गुपचुप चर्चा कर रहे थे कि वह चर्चा राजकुमार मलय केतु भी सुन ले। चर्चा में राक्षस के बुद्धि कौशल की बढ़ाई करते हुए ये लोग कह रहे थे कि देखो कितनी कुशलता से विषकन्या द्वारा पर्वतेश को मारने के बाद भी महामात्य उनके बेटे मलय केतु के भी साधे हुए हैं। आर्य चाणक्य की आज्ञा है कि हम लोग महामात्य राक्षस की जी जान से रक्षा करें, उन्हें मलय केतु कोई हानि न पहुंचा पाए। कुल मिलाकर संदेह का बीज बोने की जो योजना थी वह सफल हुई और मलय केतु भी राक्षस का साथ छोड़ गया। लेकिन जिस समय वह अपने राज्य वापस जा रहा था उस पर हमला कर चंद्रगुप्त ने बंदी बना लिया। इसी दौरान एकाकी बचे राक्षस के पास समाचार पहुंचाया गया कि उसके परिवार का पता न बताने से नाराज होकर चंद्रगुप्त ने उनके मित्र जौहरी चंदन दास को फांसी का आदेश दे दिया है। अपने कारण मित्र के प्राण संकट में देखकर राक्षस वापस पाटलिपुत्र आने को विवश हुए और ठीक उस समय जबकि चंदन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था वे बध स्थल पर जा पहुँचे। उन्होंने वहाँ उपस्थित सैनिकों के माध्यम से
चाणक्य को समाचार भिजवाया कि जिस राक्षस का साथ देने के अपराध में चंदन दास को मृत्युदंड दिया जा रहा है, वह राक्षस स्वयं उपस्थित हो गया है और हर सजा भुगतने को तैयार है। चाणक्य जानते थे कि जिस प्रकार चंदन दास प्राण देकर भी अपने मित्र के परिवार को बचाने पर आमादा है, उसी प्रकार राक्षस भी अपने मित्र चंदन दास को बचाने अवश्य आएंगे। अतः उन्होंने यह सब नाटक रचा था। अतः समाचार मिलते ही चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों वहां पहुंच गए और दोनों ने, जी हां, दोनों ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राक्षस चकित हुए जब चाणक्य ने उन्हें अमात्य संबोधन ही दिया। राक्षस को समझाया गया कि आर्यावर्त में यवनों को रोकने का सामर्थ्य अब केवल चंद्रगुप्त में ही है, अतः समाज हित में उनका सहयोगी बनना सर्वथा उचित है। कहने की आवश्यकता नहीं कि विनयपूर्वक राक्षस को दोनों ने मिलकर पुनः राज्य का अमात्य बनने के लिए विवश कर दिया। चंदन दास को जगत सेठ की उपाधि मिली। राक्षस के कहने पर मलय केतु को न केवल मुक्त कर दिया गया, वरन उसे उसका राज्य भी वापस कर दिया गया। स्वाभाविक ही चाणक्य ने अब जाकर निश्चिंत होकर अपनी शिखा बांधी। आगे का इतिहास तो सर्वविदित है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया और पराजित होकर अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करने को विवश हुआ। सुयोग्य और सक्षम नेतृत्व के साथ में जागरूक समाज ही किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता कायम रखते हुए उसे उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जा सकता है। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार और उनके बेटे सम्राट अशोक हुए। कुछ समय उपरांत अशोक के कथानक को लेकर भी उपस्थित होने की योजना है। तब तक देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।